चाहिए है कि आप इस दुनिया को जो दोगे, मैंने किताब पढ़ी थी उसमें लिखा था कि प्रकृति को कर्जदार बनाओ। नंदू भैया आप गाना सुनाते हैं, आप लोगों को आनंदित करते हैं, मुझे पता है पिछले साल दो साल से आप तमाम दर्द में हैं, तमाम दिक्कत में हैं, फिर भी आप अपने गीत से लोगों को आनंदित करते हैं। ईश्वर आपको उनसे 1000 गुना आनंदित करेगा। आप इस दुनिया को जो दोगे 1000 3 0 लग के वापस आएगा, इस बात को नोट कर लो। आप लक्कड़ लगाओगे 3 गुना लक्कड़ आपको लगेगा, आप अच्छा करोगे 3 गुना लग के आपको आएगा। बस इतनी बात मुझे कहनी थी, बड़ी गंभीर बात थी। मदद सेवा संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जिस चीज के लिए चर्चित हूँ, दो लाइन वो नहीं करूंगा तो थोड़ा सा रह जाएगा। हंसी मजाक बैंड के लिए चर्चित हूँ, तो मैं जब यहाँ आ रहा चचा मिल गए, चचा ने कहा कि भैया जा रहे हो तो एक संदेश है मेरा, जरा सबको दे देना। हमके क्या संदेश है? बोले कि एक कविता है, सुना दीजिए। तो कविता उन्होंने सुनाया कि बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बातें करते रहते हैं और गिर भी जाते हैं, गिरा भी जाते हैं, दरअसल वो बड़े गिरे हुए लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक हाथ माँ हैंडल है, एक हाथ में हैंडल है, एक हाथ मोबाइल माँ, और दिल लगा दिल वाली माँ गाड़ी घुस गई नाली में। एक हाथ माँ हैंडल है, एक हाथ मोबाइल में, दिल लगा दिल वाली में गाड़ी घुस गई नाली में, और सुरो टंगरिया झूल गई और नक्शेबाजी झूल गई। अच्छा, लोग कहते हैं कि पुरुष का दिल छोटा होता है, महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है। ऐसे कहते हैं महिलाओं का दिल बड़ा विशाल होता है, बड़ा बड़ा होता है। सर मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है, पुरुष का दिल बहुत बड़ा होता है। प्रूफ कर दे। महिला के दिल में एक बार में सिर्फ एक पुरुष रह सकता है, पुरुष का दिल बड़ा विशाल होता है, उसकी क्षमताएं अनंत है। माता बहने ताली बजा रही है, कितना बड़ा विशाल हृदय होता है। आप इमेजिन करिए, आपको कौन है भाई? हेलो, मैं फास्ट फूड वाला हूं। आप इमेजिन करिए, कोई बड़ा थकाहारा आदमी है नंदू भाई, और वो बस में बैठा हुआ है, और बगल में कोई मायावती जैसी स्त्री बैठी हुई है, कोई चार नहीं, उसके बाद जो थकाहारा आदमी अगर गलती से एक बार सिर उसके ऊपर नींद आ गई, धमकी आ गई, और गलती से एक बार सिर उसके ऊपर चला तो डांटेगी, है मिस्टर क्या कर रहा है, बगल में कोई स्त्री हो। कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आज मानसरोवर मंदिर जो गोरखपुर का गोरखनाथ के पास अधियारी बाग में प्रसिद्ध मानसरोवर मंदिर है। हमारी एक संस्था मदद सेवा संस्था के द्वारा एक दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। आइए संस्था के पदेन से रूबरू होते हैं, यह किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है सर? उनको सम्मानित करने की कृपा करें, संस्था की तरफ से जो भी कार्यकर्ता के सर, इस संस्था के द्वारा और कौन कौन से सामाजिक प्रयास किए जाते हैं? सर आमतौर पर लोग नौकरी पेशा अपनाने का प्रयास करते हैं, आप एक सामाजिक संस्था के रूप में क्यों कार्य करना चाहते हैं? और हमने शोध करते हुए ये ठान लिया था कि हम समाज के लिए कुछ कार्य करेंगे और समाज के लिए हम लोग कार्य। धन्यवाद। मैं यह बड़े ही गौरव की बात है, जिस तरह की भारतवर्ष में अनेकों सामाजिक संस्थाएं हैं, खास करके अपने पूर्वांचल में, जो इस तरीके से कृतियों के द्वारा समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करने का प्रयास करती हैं। मैं यूपी एक्सप्रेस ब्यूरो हेड सुनील त्रिपाठी गोरखपुर। धन्यवाद। पहलवान के लिए, पहलवान के लिए नहीं, थोड़ा तेज बोलिए, बोला कि यहाँ तक आवाज जाए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे, आप तो बर्फी खाई तो आपका तेज आवाज निकलेगा। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे,
देखिए कुछ लोग पहलवान कह रहे हैं, कुछ लोग हनुमान कह रहे हैं। देखिए हनुमान नहीं होता है, हनुमान होता है। एक बार हनुमान जी महाराज की टीम से जो है एक बार जुड़ा हाथ उठाए, जो रावण की टीम से वो हाथ पीछे करेंगे, एक बार राम की सेना से जो भी हाथ ऊपर करके और ताले बजाके एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो सबसे पहले कौन मदद करने आया? जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण भैया को तो सबसे पहले मदद का हाथ कौन बढ़ाया, कौन मदद किया राम जी का? हनुमान जी है ना, हनुमान जी ने बहुत मदद किया प्रभु श्री राम का, लेकिन हम उनके लिए थोड़ी सी तालियां तक नहीं बजा पा रहे हैं, अजीब विलंब बना रहे हैं। बोलिए सांचे दरबार की लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी, ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। और लक्ष्मण को बचाने जो हाथ नहीं उठा रहे हुए, एक बात का ध्यान रखें हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा भी होता है, हाँ इसका विशेष ध्यान रखें। एक बार दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाइए, हाँ, और जो दाल लगाएंगे जय श्री राम। जय श्री राम नहीं बोलना, जय श्री राम बोलना, जय श्री राम। बोलिए साथ के दरबार की और मिलकर हनुमान जी महाराज की चरणों की सेवा करेंगे, मिलकर कैसे एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान।